हाय दोस्तों, मेरा नाम है बलविंदर। आप देख रहे हैं सोई टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर आप कोई डेस्कटॉप कोई लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा शुरू में जब आप विंडोज को रीइंस्टॉल करते हो या फिर कोई नया पीसी लेते हो तो बहुत फास्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उसको यूज़ करते रहते हो, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, उसके बाद वो स्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसमें तीन कारण हैं हमारे इसको स्लो होने के, और उसको फास्ट कैसे करें ये भी जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं वो स्लो क्यों होता है। तो स्लो होता है, सबसे पहला कारण है, जब आप कोई भी विंडोज़ को आपने इंस्टॉल किया तो उसने डिस्क में थोड़ा सा स्पेस ले लिया है, उसके बाद आपने कुछ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, उन्होंने भी अपना स्पेस ले लिया, तो बहुत सारे सॉन्ग, वीडियो, गेम सब कुछ आपने इंस्टॉल कर लिया तो वो सारी आपकी डिस्क फुल हो गई। तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, आप उनको डिलीट कर देते हो, लेकिन जो आपने सबसे बाद में इंस्टॉल किया वो डाटा सबसे ऊपर वाले पार्ट में है डिस्क के, और जो सबसे पहले इंस्टॉल किया वो सेंटर वाले पार्ट में जहाँ बीच में है डिस्क के। तो ऐसे में जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वो डिस्क के बीच में, बीच वाले पार्ट से अनइंस्टॉल हो गया, या फिर जो मूवी आपने देख ली, पहले आपने इंस्टॉल की थी, कॉपी की थी मूवी, बाद में आपने मूवी को डिलीट कर दिया देखने के बाद, वो कहाँ से डिलीट हुई, वो बीच में से डिलीट हो गई डिस्क के। तो ऐसे में अगर आप कोई और मूवी डाल रहे हो तो डिस्क के अंदर इनफ स्पेस नहीं है उसको एक साथ में रखने को, तो अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको फाइल को टुकड़ों में बना के थोड़ी थोड़ी फाइल कई जगह पे सेव कर देता है। तो वहाँ पे टुकड़ों में फाइल चली गई आपकी डिस्क के अंदर, तो जब आप उसको रीड करोगे तो वो आपके हार्ड डिस्क के हेड को जो मूव करता है उसको बहुत जगह पे मूव करना पड़ेगा, और ऐसे में डाटा स्लो मिलेगा आपको। सबसे एक कारण तो यही है कि विंडोज़ स्लो हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद। तो इसको आपको विंडोज़ के अंदर एक टूल होता है डीफर्गमेंट, तो आप वहाँ पे जाके उसको डीफर्गमेंट कर सकते हो। ऐसे में वो आपकी सारी फाइल को रीअरेंज कर देगा, सभी विंडोज़ के अंदर है ये। और नंबर दो पे है रजिस्ट्रीज, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी गेम, कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हो तो अपने पीसी पे, तो जो सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स है वो विंडोज़ के डाटाबेस के अंदर रजिस्ट्री के रूप में कॉपी हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है। जब हम लोग सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देते हैं, सॉफ्टवेयर तो अनइंस्टॉल हो जाता है लेकिन जो उसकी रजिस्ट्रीज फाइल हैं वो वहीं पे रह जाती हैं। तो अगर आप रजिस्ट्री को मैन्युअली डालना चाहते हो तो आप कंप्यूटर के रन में जाके रजिस्ट्री एडिट लिख के, तो वहाँ से आप रजिस्ट्री को एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रजिस्ट्री एडिट की अच्छी नॉलेज नहीं है, आपने कोई गलत फाइल एडिट कर दी तो आपका पीसी भी क्रैश हो सकता है। तो ऐसे में एक टूल्स है, एक सॉफ्टवेयर है सी क्लीनर, आप सी क्लीनर को यूज़ करके अच्छे से अपनी रजिस्ट्रीज, अपने कुकीज़ को क्लियर कर सकते हो, अपनी टेम्प्रेरी फाइल को क्लियर कर सकते हो, अपनी हार्ड डिस्क को वाइप कर सकते हो, जो उसका फ्री स्पेस है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसका फ्री वर्जन भी है और प्रो वर्जन भी है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको डाउनलोड करके चला सकते हो। तो उसके बाद में है आपकी टेम्प्रेरी फाइल्स, आपकी टेम्प्रेरी फाइल्स अगर आप सी क्लीनर को नहीं यूज़ कर रहे तो आपको माय कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाके वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्क क्लीनर, डिस्क क्लीनर पे क्लिक कर देंगे तो वो आपकी सारी की सारी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं जो बन जाती हैं जब सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, कोई फाइल आप कॉपी कर रहे हो तो कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स बनती हैं हमारी विंडोज़ के अंदर, तो वो उनको क्लियर कर देगा, उससे भी आपकी विंडोज़ फास्ट हो जाएगी। होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी अपने विंडोज़ कंप्यूटर को फास्ट करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।